हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज मैं ये बुक शुरू करने वाली हूँ, अप्लाइड साइकोलॉजी। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और इस बुक में जो सिलेबस कवर्ड है, स्पेशली वो पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बुक को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक अपने क्लियर कर लो, यानी कि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्लस जो आपके चिक्रेली और बैरन, जो एक मेरी और साथ साथ जो बुक्स चल रही हैं, वो भी उसके अंदर भी जो सिमिलर चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वो दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तब आपको ये वाली बुक समझ आएगी। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उससे थोड़ी सी एडवांस्ड है। वो एक तरीके से बेसिक साइकोलॉजी है। बेसिक मतलब जिसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये अप्लाइड है। अप्लाइड मतलब जिसमें हम साइकोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अपने लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बेसिक की नॉलेज नहीं होगी तो आपको एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगी। और ये बुक जिन्होंने लिखी है, जिनका नाम है समर्क स्वेन, इन्होंने खुद अपनी जो ये जब अपनी इसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, और इन्होंने भी ये बुक इसलिए ही लिखी है क्योंकि एक्चुअली में जो इस बुक का जितना भी कंटेंट है ना, अगर आप ये बुक को अगर आप ना पढ़ो तो इसके अलावा आपको ये बुक बहुत जगह पे जो जो इसके अंदर का कंटेंट है वो अलग अलग जगह पे ढूंढना पड़ता है। ये सेम प्रॉब्लम इनको भी आई थी। इनको भी बहुत ज़्यादा अलग अलग लाइब्रेरीज में जाके और अलग अलग जर्नल्स पढ़ के ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी थी इन्होंने, अपने लिए नोट्स जब बनाए थे पढ़ के। और बाद में ऑब्वियसली इनका क्लियर हो गया था बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो इन्होंने इस बुक में ये लिखा हुआ है कि मैं चाहता था कि मेरे बाद अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसको अगर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी के टॉपिक्स नहीं मिलेंगे तो उसको भी मेरी तरह ही प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने वो सारे टॉपिक्स, जो उनके नोट्स थे, काफ़ी अच्छे नोट्स थे उनके, जो उन्होंने इस बुक में डाल दिए हैं सारे एक साथ। तो अब आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। आप ये ज़रूर देख लेना एक बारी के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ पे किस तरीके से आंसर करना है और क्वेश्चंस कहाँ पे बनते हैं। प्लस इन्होंने ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस बुक को पढ़ने से पहले जो इन्होंने बताई हैं। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है ना बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक नॉलेज के बिना ये बुक पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत गलत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस बुक को बिना बेसिक नॉलेज के पढ़ना बहुत डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब ये पढ़ना शुरू करा था इन्होंने सिविल सर्विसेज का, इन्होंने कैसे कैसे इनका जो प्री था वो मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल था। ये पूरी डिटेल इनकी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर उन्होंने बोला है कि इनको पेपर 2 के लिए बहुत मुश्किल हुई थी मटेरियल इकट्ठा करने में। तो फाइनली जब इनका क्लियर हो गया था, इनकी आई थी 196th रैंक मेरिट लिस्ट में। तो उसके बाद इनके कुछ फ्रेंड्स ने इनको थोड़ा सा एनकरेज किया था कि अपने जो नोट्स हैं उसको एक बुक में बना के कर दो कंपाइल। उस तरीके से फिर इन्होंने ये बुक बनाई है ताकि अब आप जैसे लोग हैं जो साइकोलॉजी में तैयारी कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इनका साफ साफ ये कहना है कि अगर आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाइड साइकोलॉजी एक एडवांस लेवल का कोर्स है और इसको समझने के लिए ना आपको बेसिक प्री रिक्विजिट बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होना। अगर आप बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ते हो, रीडिंग दिस बुक विदाउट प्रॉपर ग्रास्प ऑफ बेसिक साइकोलॉजी कैन बी डेंजरस। तो सीधा सीधा यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दे रखी है कि अगर आपको अभी भी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ये बुक सीधा मत पढ़ो, क्योंकि इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो सारे खराब हो सकते हैं और उसमें सब में आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा समझने में, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब किस तरीके से हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, साइकोलॉजी की नॉलेज को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा इसके बुक के चैप्टर 1 पे, यूनिट 1 पे चलते हैं। और यूनिट 1 जो इसका शुरू हो रहा है वो हो रहा है साइकोलॉजिकल वेलबींग से। तो ये साइकोलॉजी अप्लाइड टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, फिर थेरापूटिक अप्रोचेज, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी।
मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी ये पढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए। मैं थोड़ा सा ये वेट कर रही थी कि मेरी बुक, बाकी दोनों बुक्स हैं वो थोड़ा ख़त्म हो जाए तब मैं करूँ, बट कोई बात नहीं। स्पेशली दो ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो जिन्होंने मेरे को ये बुक मेल भी करी स्पेशली इसीलिए ताकि मैं ये बुक जल्दी शुरू कर दूं। उनका नाम है, एक तो कुणाल ने करी थी मुझे और एक मनवेंद्र सिंह, ये दोनों मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे ईमेल करा इस बुक का पीडीएफ। और इससे मेरे को ये हेल्प मिल गई कि मुझे ये ढूंढना नहीं पड़ा बुक को। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि आप लोग इतना वेट कर रहे हो तो मैं इसको शुरू कर दूँ। देन फाइनली हम ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन अगर इसका देखें तो ये है साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग में सबसे पहले हेल्थ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि किसको हम हेल्थ बोलते हैं। इन जनरल आप अगर किसी ले मैन से पूछोगे तो वो आपको हेल्थ क्या बताएगा, वो आपको हेल्थ बताएगा कि आपकी फिजिकली बॉडी में अगर कोई डिसीज नहीं है तो वो बोलेगा आप हेल्दी हो। तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट से पूछोगे या फिर आप अपने ऐसे किसी दोस्त से पूछोगे जो साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, उससे आप पूछोगे हेल्थ क्या चीज़ है, तो वो बोलेगा जिसको कोई मेंटल इलनेस नहीं है वो बंदा हेल्थी है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हर कोई अपने तरीके से हेल्थ को डिफाइन करता है। अगर कोई फिलोसोफर होगा तो वो बोलेगा हेल्दी होना मतलब जिसके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, जिसके व्यूज बहुत पॉजिटिव हैं, वो हेल्दी होता है। तो हेल्थ का ना अलग अलग वेरियस स्कूल्स ऑफ स्टडी है, मतलब हर कोई अपने तरीके से हेल्थ को डिफाइन करता है। और सबसे ज़्यादा जो हेल्थ है ना वो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग से रिलेट की जाती है, मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग से सबसे ज़्यादा रिलेट की जाती है। उसके बाद मेंटल आ जाता है, मेंटल यानी जहाँ पे साइकोलॉजी की बात होती है। उसके बाद मॉरल साउंडनेस आ जाता है, मॉरल साउंडनेस मतलब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आप अगर गलत करते हो तो आपको मॉरली जो है वो अच्छा फील नहीं होता है। अगर आपकी मॉरल वैल्यूज प्रॉपरली बिल्ड हुई हैं तो उसको भी एक हेल्दी पर्सन ही बोलेंगे। प्लस एक स्पिरिचुअल सेल्वेशन है, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर की थिंकिंग और व्यूज आपके अपनी लाइफ के मीनिंग को लेके एकदम क्लियर है और अपनी लाइफ को आप मीनिंगफुली यूज़ कर रहे हो। किसी की जैसे कोई लोग जो सोशल वर्क करते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली हेल्दी बोला जाता है। तो हेल्थ के बहुत सारे अलग अलग वो हैं, पर्सपेक्टिव है। अगर हम सोचे तो आप जो अलग अलग लोग में फील्ड है उनसे पूछोगे तो वो हर तरी अपने तरीके से हेल्थ को डिफाइन करेंगे। अब पहले क्या होता था हिस्ट्री में, अब यहाँ पे देखो बेसिक नॉलेज ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने मेरी बाकी वीडियो में ये हिस्ट्री पढ़ी होगी डिटेल में जहाँ पे मैंने पढ़ाया था, तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले जो है ना जो भी इलनेस होती थी, मेंटल इलनेस होती थी या साइकोलॉजिकल वेलबींग नहीं होता था किसी का, तो उसको सुपर नेचुरल फिनोमिना से अटैच कर देते थे। जैसे अभी हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में पहले क्या था कि अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती थी तो उनको आइडिया नहीं होता था कि मेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो उसको ये मान लेते थे कि उसके अंदर कोई गोस्ट है या उसको विच बोल देते थे कि वो चुड़ैल है। तो पहले क्या होता था कि अगर वेलबींग नहीं है किसी की, वो वैसे हेल्दी दिख रहा है, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी अजीब सा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसको मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको सुपर नेचुरल फिनोमिना से अटैच कर देते थे। तो इस तरह की चीज़ें पहले होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट होनी शुरू हुई, साइकोलॉजी को भी एक साइंस का स्टेटस मिलना शुरू हुआ। उसके बाद ये समझ में आने लगा कि हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है। सो इन विद एडवांसमेंट इन साइंटिफिक फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, साइकोलॉजी, साइंस एंड सोशोलॉजी, इन सब इन सारी फील्ड्स में वो हो रही थी, एडवांसमेंट हो रही थी धीरे धीरे। और उसके बाद क्या हुआ, साइंटिफिक आइडियाज आने शुरू हुए, तब उनको समझ में आया कि हेल्थ जो है ना एक खाली एक फिजिकल बॉडी की नहीं होती, हेल्थ का मतलब है कोई एक इंटीग्रेटेड आइडिया है। इंटीग्रेटेड मतलब कलेक्शन ऑफ आइडियाज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और कल्चर टू कल्चर अलग हो सकता है। किसी के कल्चर में मेंटली हैप्पी रहना इज हेल्दी है, किसी के कल्चर में फिजिकली फिट रहना हेल्दी है,
तो कल्चर टू कल्चर भी फर्क हो सकता है। तो हम सिर्फ एक ही डेफिनेशन मान के नहीं चल सकते हेल्थ की कि बॉडी में कोई डिसीज ना हो तो वो हेल्थ हो गया। तो हेल्थ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी फर्क करती है, कल्चर टू कल्चर भी फर्क करती है। अब कॉन्सेप्ट जो है हेल्थ का वो क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसके अपने अपने डायमेंशन हो गए बहुत सारे। एक मेंटल हो गया, एक फिजिकल हो गया, एक स्पिरिचुअल हो गया, ये अलग अलग डायमेंशन है। प्लस ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब मेरा व्यू अलग है हेल्थ को लेके, और किसी और पर्सन का व्यू होगा, डॉक्टर के व्यूज़ अलग होंगे, फिलोसोफर के व्यूज़ अलग होंगे। अगर पर्सन टू पर्सन भी बात करें तो आप में भी, आपकी फैमिली में भी बहुत लोगों के व्यूज़ अपने अपने हेल्थ को लेके अलग होंगे। किसी का व्यू होगा हेल्थ को लेके रोज एक्सरसाइज करना इज़ हेल्दी, कोई बोलेगा रोज योगा करना इज़ हेल्दी। तो सबके व्यू सब्जेक्टिव है। एन इंडिविजुअल में सफ़र फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी येट बी हेल्दी। अब ये लाइन देखो आप, अगर कोई इंडिविजुअल को फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी जैसे किसी को चलना नहीं, जिसके पैर नहीं होते हैं डिसेबल होता है, हाथ नहीं होते हैं, लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, तो क्या हम उनको हेल्दी नहीं बोलेंगे? वो लोग बिल्कुल हेल्दी हो सकते हैं, सिर्फ वो जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके अंदर उसको हम अनहेल्दी नहीं कह सकते, वो तो डिसेबिलिटी है। लेकिन हेल्थ उनकी बहुत अच्छी भी हो सकती है तो वो हेल्दी होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी को काउंट नहीं किया जाएगा। अनदर इंडिविजुअल विद नो मेडिकल डिसऑर्डर में नॉट बी। और वहीं अगर उसके साथ कंपेयर करें किसी दूसरे पर्सन को जिसके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है मेडिकली, लेकिन हो सकता है वो हेल्दी ना हो। अब मैं अगर आपको बताऊँ एक चीज़ कि जिसकी सोच हेल्दी नहीं होती, या हेल्दी का मतलब है जिसकी सोच अच्छी नहीं होती है, जो लोगों से ढंग से बात नहीं करता है, या जो लोगों को बहुत नेगेटिवली देखता है, उसको भी तो हेल्दी नहीं कहेंगे। उसका मतलब उसकी भी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुई है ठीक से। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ के बेस पे हम किसी को हेल्दी या अनहेल्दी बोल सकें। तो इसीलिए यहाँ पे आगे ये हेल्थ का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव हेल्थ का डिस्कस करेंगे, इल हेल्थ का डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। अब हेल्थ को अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, और इसमें पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनली क्या उसको बोलते थे, मेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का। फिर WHO ने उसको कैसे डिफाइन किया है हेल्थ को, इसकी तो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हेल्थ के बारे में, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या बोलती है हेल्थ के बारे में, और बाद में योगिक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है। तो ये सारे आइडियाज़ हैं जो अपने अपने तरीके से हेल्थ को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मेडिकल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल मेडिकल कॉन्सेप्ट मतलब कि मेडिकल वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेडिकल से सीधा मतलब है आपकी फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इट कॉन्सेप्चुलाइजेज हेल्थ एज अ डिसीज फ्री स्टेट। अगर किसी की बॉडी में कोई डिसीज नहीं है तो मेडिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि वो हेल्दी है, जो कि ट्रेडिशनल का कॉन्सेप्ट है, पुराने टाइम से जो हम मानते आ रहे हैं कि अगर किसी की, जैसे फिजिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं, वो यही चीज़ मानते हैं। मतलब अभी हो सकता है लेटली उनकी थिंकिंग बदलती जा रही है मेंटल अवेयरनेस की वजह से, लेकिन ज़्यादातर 20th century के शुरुआत में भी डॉक्टर्स और फिजिशियंस यही मानते थे कि अगर किसी की बॉडी में डिसीज नहीं है तो वह हेल्दी है, मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता था। तो इस व्यू का सबसे बड़ा मेजर फ्लॉ क्या था, फ्लॉ मतलब कि डिसएडवांटेज, या इसके अंदर सबसे एक वीकनेस क्या थी। इट वर्क्स ऑन दी अजम्पशन दैट हेल्थ एंड डिसीज आर ऑब्जेक्टिव फिनोमिना दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड क्वान्टिफाइड। तो ये एज्यूम करके चलते थे कि हेल्थ और डिसीज जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब वो सबके लिए सेम है, अगर कोई डिसीज होगा तो सबको होगा, एक जैसा होगा। वो मेंटल कॉन्सेप्ट उसमें आता ही नहीं था। और जो चीज़ हमें दिख सकती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम जिसको, या जिसको हम क्वांटिफाइड मतलब जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये सिर्फ उसी को वो मानते थे, डिसीज मानते थे, और उसी के होने से हेल्थ को ये मानते थे कि हेल्दी वो नहीं है जिसके अंदर कुछ इस टाइप का डिसीज है जिसको ऑब्जर्व करके, मेजर करके क्वांटिफाई किया जा सकता है।
तो पहला फ्लॉ तो ये हो गया कि हेल्थ को और डिसीज को इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव फिनोमिना बना दिया, जबकि सबके लिए हेल्थ सब्जेक्टिव है, अपना अपना व्यू है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं सबके लिए एक जैसी चीज़ है। सेकंड फ्लॉ क्या था? सेकंड फ्लॉ वाज रेदर देन रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स, इट डिफाइंड हेल्थ सोनली इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ इल हेल्थ। तो सेकंड फ्लॉ क्या है कि इन्होंने रेदर देन टेलिंग के हेल्थ के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब हेल्थ जो है वो बहुत तरीके से हो सकती है, उसको ना बोल के इन्होंने सोनली एक ही तरीके से हेल्थ को डिफाइन किया कि हेल्थ का मतलब है अगर किसी की जो मतलब हेल्थ मीन्स सोनली द टर्म्स ऑफ लैक ऑफ इल हेल्थ, मतलब हेल्थ का मतलब है किसी के अंदर इल हेल्थ ना होना। हेल्थ इज इक्वल टू लैक ऑफ इल हेल्थ, मतलब किसी के अंदर अगर इल हेल्थ नहीं है तो वो हेल्थी है। तो इन्होंने इस तरीके से डिफाइन करा था, जो इसकी इस थ्योरी का दूसरा फ्लॉ था। सो अकॉर्डिंग टू मेडिकल कॉन्सेप्ट देर इज अ डिकोटॉमी बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई, हेल्थ अलग हो गई, इलनेस अलग हो गई। अब मतलब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज नॉट इलनेस इज हेल्थ, सीधा मतलब इनके कहने का ये हो रहा है कि जो इलनेस जिसके अंदर नहीं है वो बंदा हेल्थी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देर इज अ कॉन्टिन्यूम बिटवीन एब्सोल्यूट इलनेस एंड एब्सोल्यूट हेल्थ। मतलब कॉन्टिन्यूम का मतलब क्या है, ये अगर इलनेस है, ये अगर हेल्थ है, इसके बीच में एक कॉन्टिन्यूम है, उस कॉन्टिन्यूम में ये अगर एब्सोल्यूट इलनेस है, एब्सोल्यूट मतलब एकदम से जो एकदम ही हेल्दी हो, एब्सोल्यूट हेल्थ है ये, और ये है एब्सोल्यूट इलनेस। एब्सोल्यूट इलनेस मतलब बिल्कुल ही बीमार, एब्सोल्यूट इलनेस। तो इसके बीच में ये कॉन्टिन्यूम है। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, कोई पर्सन इस कॉन्टिन्यूम में यहाँ भी हो सकता है, कोई पर्सन इस स्टेज पे भी हो सकता है, कोई इस स्टेज पे भी हो सकता है जिसको थोड़ा सा हेल्दी है लेकिन थोड़ा सा इलनेस भी है, कोई इधर भी हो सकता है जिसको ज़्यादा इलनेस है, हेल्दी कम है, हेल्दी ज़्यादा कम है और इलनेस थोड़ी सी उसकी ज़्यादा है, कोई पर्सन यहाँ भी हो सकता है। तो हेल्थ और इलनेस में कोई वो नहीं है कि आइधर आप इस साइड हो गए या इस साइड हो गए, आप हेल्थ और इलनेस के कॉन्टिन्यूम में बीच में कहीं भी हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बीमार हो तो आप टोटली बीमार ही हो, हर तरीके से आप किसी चीज़ में बीमार हो सकते हो और बाकी में हेल्दी भी हो सकते हो। तो ये एक कॉन्टिन्यूम होता है जिसमें आप कहीं पर भी आ सकते हो, किसी भी स्टेज में। तो कॉन्टिन्यूम को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, इन्होंने बस ये बोला कि या तो आप हेल्दी होगे या इलनेस होगी, इलनेस नहीं है तो हेल्दी और अगर हेल्थ नहीं है तो इलनेस। तो ये इनका ट्रेडिशनल व्यू का कॉन्सेप्ट था। फिर तीसरा फ्लॉ इसमें क्या बताया हुआ है, वन कैन हैव सम डिसीज येट बी हेल्दी हैंस इट इज़ फ्लॉड। ये तो इन्होंने बोल दिया कि किसी को कोई डिसीज हो तो भी वो हेल्दी हो सकता है, Hence it is flawed to take health as the absence of ill health. ये तो हो गया इसके दूसरा फ्लॉ। तीसरा फ्लॉ क्या बता रहे हैं, द थर्ड फ्लॉ ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिकल कॉन्सेप्ट वॉज दैट इट निगलेक्टेड द इंडिविजुअल एज अ होल वेन इट फोकस्ड इट्स अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिसीज। मतलब कि इन्होंने ये बोला कि इन्होंने इंडिविजुअल एज अ होल को तो निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ फोकस कहाँ पर दिया, एक डिसीज को दिया। Any workable concept of health necessarily has to be a holistic concept. मतलब जो health का concept होता है वो एक holistic होना चाहिए, health में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन according to this traditional view के health जो है वो holistic नहीं है, अगर किसी को कोई disease है तो वो पूरी तरीके से बीमार है। तो ये इनका थर्ड फ्लो था कि इन्होंने इसको एक होलिस्टिक व्यू की तरह नहीं देखा हेल्थ को, इन्होंने स्पेसिफिक डिसीज पे खाली फोकस किया है। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, WHO की डेफिनेशन पे। पहले हमने जो करा वो ट्रेडिशनल व्यू था। WHO की डेफिनेशन जो है वो आप एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको आप पढ़ सकते हो, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एज द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। WHO की डेफिनेशन क्या कह रही है कि हेल्थ क्या होती है, जिसमें कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग होता है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज होना या कोई बीमारी ना होना ही हेल्दी है। एक तरीके से इनकी डेफिनेशन सारे डोमेन्स को लेकर चल रही है हेल्थ के, फिजिकल भी, मेंटल भी, सोशल भी,
और वो ये भी कह रही है डेफिनेशन की ज़रूरी नहीं है कि बीमारी का ना होना ही हेल्दी होता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा मेडिकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ और भी चीज़ें ऐड कर दी जो मेडिकल कॉन्सेप्ट में मिसिंग थी। तो इट कॉन्सेप्चुलाइजेज हेल्थ एज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट सोशल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक। तो मतलब इस डेफिनेशन ने हेल्थ को बहुत पॉजिटिव वेलबींग की तरह बोला। वेलबींग की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, वेलबींग, तो एक पॉजिटिव वेलबींग की तरह बोला। और इसमें इन्होंने सोशल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ये सारी चीज़ें हेल्थ की डाल दी जो अभी तक हमें लग रहा था कि ट्रेडिशनल व्यू में मिसिंग है। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, WHO के कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं? इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पहला जो इसमें बता रहे हैं कि बींग सो ब्रॉड एंड वेग, मतलब कि ये जो डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है ये इतनी ब्रॉड है, मतलब इसमें कितनी सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी हैं, और वेग है थोड़ी सी। वेग का मतलब होता है जैसे थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट और इमेजिनरी टाइप की है, वेग मतलब क्लियर नहीं है। मतलब कि WHO कॉन्सेप्ट हैज़ लो यूटिलिटेरियन वैल्यू। यूटिलिटेरियन वैल्यू मतलब उसको अप्लाई करना या उसको यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ को यूज़ करना होता है। तो इस जो कॉन्सेप्ट को यूटिलिटी इसकी बहुत कम है। मतलब जैसे अभी अप्लाइड साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो अगर हम थ्योरी में इसको पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है जो ये बोल रहे हैं? क्या ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है? आप खुद ही सोचो कि प्रैक्टिकली कोई इनके अकॉर्डिंग, अगर हम इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, तो इसका मतलब वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हेल्दी है, क्योंकि ये तो उसको हर तरीके से हेल्दी बता रहे हैं। सोशल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर तरीके से हेल्दी होना चाहिए वो। तो थोड़ा सा ये यूटिलिटी वाइज इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, इसकी यूटिलिटी बहुत लो है। और एनी कॉन्सेप्ट नीड टू बी स्पेसिफिक टू बी डिफाइंड ऑपरेशनली, और इनको प्रॉपर स्पेसिफिक डिफाइन करना चाहिए कि सोशल का क्या मतलब है, साइकोलॉजिकल का क्या मतलब है, इकोनॉमिक का क्या मतलब है, पॉलिटिकल का क्या मतलब है, ये चीज़ इनको क्लियर करनी चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वर्ड्स लाइक वेल बींग एंड वेलनेस आर यूज फ्रीली, दीज कॉन्सेप्ट हैवन बीन क्लियरली डिफाइंड। तो दे हैव नॉट डिफाइंड वॉट इज़ वेल बींग, इनके अकॉर्डिंग वेल बींग का क्या मतलब है, हम इसका क्या मतलब समझे वेल बींग का, वेलनेस का क्या मतलब समझे? इनकी डेफिनेशन में वेल बींग और वेलनेस जो यूज़ किया हुआ है उसको हम उसका मीनिंग भी तो समझाना चाहिए कि वेल बींग का क्या मतलब होता है। एक ले मैन को क्या पता कि वेल बींग, हम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना मेजर करने का कि इसको हम वेल बींग बोलेंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ यूटोपियन व्यू ऑफ हेल्थ। यूटोपियन मतलब इमेजिनरी व्यू है। इमेजिनरी कैसे? बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक परफेक्टली हेल्दी स्टेट ऑफ पर्सन की हेल्दी स्टेट को समझाने की कोशिश की है, जो कि अनरियलिस्टिक है और अनरीचेबल है। तो अगर आप खुद सोचो, इस तरह का कोई पर्सन क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि जिसकी फिजिकल मेंटल सोशल और हर तरीके से वो परफेक्टली हेल्दी हो, तो ही आप उसको हेल्दी बोलोगे? मतलब कि जैसे हम लोग नॉर्मली जो सब लोग हेल्दी हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम कभी भी सोशली हमारा किसी से झगड़ा नहीं होता होगा, या हम किसी को कुछ गलत नहीं बोल देते होंगे गुस्से में, या कभी हमें स्ट्रेस नहीं होता होगा, या फिर हमें कभी एंजाइटी नहीं होती होगी, या कभी हमें स्टमक इलनेस नहीं होती। ऐसा तो कोई परफेक्ट पर्सन नहीं मिलेगा जिसको आपको कम्प्लीटली, आप इनके अकॉर्डिंग तो हम किसी को कम्प्लीटली हेल्दी बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं WHO की भी जो हेल्थ की डेफिनेशन है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक तो ट्रेडिशनल व्यू था, मेडिकल व्यू था, जिसमें इन्होंने सिर्फ फिजियोलॉजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी थी और उन्होंने डिसीज़ के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ था कि अगर कोई हेल्दी है तो उसको बिल्कुल डिसीज़ नहीं होगा, अगर कोई हेल्दी नहीं है तो उसको डिसीज़ होगा ही होगा। तो उन्होंने एक बिल्कुल ही एब्सोल्यूट उसकी बात करी थी। दूसरा हमने देखा कि WHO ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, उन्होंने वो सब कुछ इंक्लूड कर दिया जो मेडिकल वालों ने नहीं किया था, लेकिन अगेन इनकी डेफिनेशन इतनी ज़्यादा ब्रॉड और इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक डेफिनेशन है कि उसके अंदर कोई भी फिट नहीं आएगा। तो ये दो व्यूज़ हुए अभी तो हेल्थ के बारे में, जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं और दोनों में ही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ,
जिसमें एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड किया हुआ है, और ये थोड़ा सा बेटर है पहले दोनों डेफिनेशन से। तो इस व्यू को हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इतना पढ़ के इसको समझो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।